बसमिल रहीब डर स्टूडेंट्स अल्लाम वरहमल वर्का दिस इज़ गुलाम गुलाम़ा फ्रॉम तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स टुडे इंशाल्लाह आई विल डिस्कस टिप्स एग्जाम टिप्स रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पी आर सी फोर पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ़ एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा आपका स्टूडेंट्स ये जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इसका जो एग्जाम पैटर्न है आई का वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है नंबर वन एस एम सी क्यूज जो कि आपका एट्टी परसेंट एरिया कवर करता है जिसमें फोर्टी क्वेश्चन आपके पास होते हैं और हर क्वेश्चन टू मार्क्स का होता है इसके अलावा एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो कि ट्वेंटी परसेंट आपका रिमेनिंग पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर नाइन प्रिप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आई कैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आपसे देता है वो बेसिकली ट्वेंटी मार्क्स का एक सवाल होता है और उसको अटैम्प करने के लिए डेफिनेटली फॉर्मेट है तो आई कैप आपको फॉर्मेट वहाँ पर प्रोवाइड करता है एंड यू हैव टू गिव द आंसर एज़ पर गिवन फॉर्मेट तो अभी इन शाह आगे चल के मैं वो फॉर्मेट भी आपके सामने रखूँगा और आपको उसके टिप्स भी बताऊंगा कि हाउ टू अटैम्प फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट्स इसको अटैम्प करने में मिस्टेक्स करते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और जो आपका टोटल टाइम पेपर में आपको दिया जाता है वो टू आवर्स होता है सो so नाउ पहले हम डिस्कस करते हैं एम वाला पार्ट जो आपका एट्टी पेपर कवर होता है तो एज़ यू नो दैट के जो हमारा सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का उसमें टोटल वी हैव टेन चैप्टर्स एक तो आपका चैप्टर नाइन जैसा मैंने अभी कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आता है इसके अलावा जो रिमेनिंग नाइन चैप्टर्स हैं उसमें से आई कैप मल्टीपल चैप्टर से आपके एम सी क्यूज एग्ज़ामिन करता है अच्छा एम सी क्यूज वाला पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल लेना पड़ता है उसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम सवाल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होते फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक हमारा टॉपिक है बैड एंड डाउटफुल डेट्स उसका एमसीक्यू ये एक मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है वट अमाउंट रिसीवेबल्स आर टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट दिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एटीन अब यहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली हमें रिसीवेबल की वैल्यू शो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अब इसको हम कैसे करेंगे कि हम ग्रॉस पहले देखेंगे कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना है एट दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एटीन एंड एंटिटीज रिसीवेबल टोटल सिक्स हंड्रेड थाउजेंड एंड अलाउंस फॉर डेड एंड डाउटफुल डेड्स सिक्सटी थाउजेंड हेडपिन ब्रॉड डाउन फ्राम लास्ट ईयर अच्छा ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना ये इस रिक्वायरमेंट के लिए इ रेलीवेंट है कि सिक्सटी थाउजेंड जो हमारा लास्ट ईयर का ब्रॉड डाउन है वह इसलिए इ रेलीवेंट है बिकॉज के हमें तो करेंट ईयर के एंड पे रिसिवेबल का बैलेंस शो करना है सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा है और यहां पे एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ कि आपने डिसाइड किया है कि आप राइट ऑफ करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और उसके बाद अलाउंस आप मेंटेन करेंगे टेन परसेंट तो देखिए आपका जो ग्रॉस रिसीवेबल होगा अकाउंट रिसीवेबल का जो ग्रॉस आएगा आपके पास वो बेसिकली सिक्स हंड्रेड थाउजेंड तो आपके पास पहले से आ रहा है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ यानी राइट ऑफ करना है कितने राइट ऑफ करने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो बेटेड एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट तो एज अ रिजल्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेरे रिसीवेबल में से माइनस हो गए अब मेरा जो अकाउंट रिसीवेबल का ग्रॉस अमाउंट आ रहा है वो बनेगा फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अच्छा अब हम क्या करेंगे आगे कहते हैं कि एंड टू एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टेन परसेंट ऑफ द रिसीवेबल हम यहां पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स सवाल में कहा जा रहा है कि टेन परसेंट आपने मेंटेन करना है अब ये टेन परसेंट जो है वो फ़ाइव सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक्स भी करते हैं कि वो बजाय फाइव सेवेंटी फाइव थाउजेंड करें वो क्या करते हैं कि ये सिक्स हंड्रेड थाउजेंड करते हैं अच्छा यहाँ पे चार ऑप्शन होते हैं तो डेफिनेटली वो ऑप्शन भी रखे जाते हैं जो कॉमन एरर अगर स्टूडेंट कर रहा है तो उनका आंसर मैच हो जाए अगर आप यहाँ देखें हम 600,000 पे मेंटेन करेंगे 60,000 आएगा 10 परसेंट और मैं 600 में से अगर 60,000 माइनस करूंगा तो 540,000 आता है जो कि ऑप्शन सी में आ रहा है जो कि इनकरेक्ट है सो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फिफ्टी सेवन हमारे पास आंसर आएगा फाइव लैख का टेन और ये जब हम माइनस करेंगे तो हम जब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे हमारा जो रिसीवेबल शो होता है वो होता है नेट ऑफ प्रोविजन यानी जो हमने अलाउंस मेंटेन किया है उसको माइनस करने के बाद तो फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड में से जब मैं फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करूँगा तो मेरा आंसर फाइव लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि ऑप्शन बी है ये जो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 575 है ये ग्रॉस कहलाता है और ये प्रोविजन का एंडिंग बैलेंस है जो आपने ग्रॉस रिसीवेबल पे मेंटेन किया है और ये आपका नेट रिसीवेबल कहलाता है अब यहाँ आप देखें स्टूडेंट्स चार ऑप्शन हमारे पास हैं एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि ऑप्शन ऐसे रखे जाएं कि स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करे तो वो कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो रहा हो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे एक मैंने भी आपको क्रॉस चेक करवाया कि अगर स्टूडेंट ये गलती करे कि वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड पे टेन परसेंट मेनटेन करे सिक्सटी थाउजेंड उसको माइनस करेगा फाइव फोर्टी थाउजेंड आएगा आंसर सी जो कि इनकरेक्ट है वो मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ अगर ये लिखा होता कि ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वर रिटर्न ऑफ तो इसका मतलब है फिर हम कहते हैं कि वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं अब हमें सिक्स हंड्रेड थाउजेंड में से राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ so, है कि डिसाइडेड टू राइट ऑफ मीन्स के यू हैव टू रिकॉर्ड बैटेड एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है बी आपका करेक्ट ऑप्शन है वन मोर थिंग सम टाइम स्टूडेंट जो है वो इस टाइप की मिस्टेक भी करते हैं कि वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड में से ये प्रोविज़न माइनस करते हैं फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो मे भी आपका कोई ऑप्शन ऐसा आ जाए जिसमें वो भी आपका नज़र आ रहा हो तो वो भी इनकरेक्ट होगा और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको बतानी है वो है ये वाली इंफॉर्मेशन डाउटफुल डेट सिक्सटी थाउजेंड हेड पिन ब्रॉड डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर इस इंफॉर्मेशन को आपने देखा मैंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया दिस इज़ टोटल इनरेलीवेंट एग्जामिनर आपको इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन भी देता है और हम समाइम इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट हमारा कोई ऑप्शन मैच कर जाता है और हमें लगता है कि हमने सही किया है जबकि एक्चुअल में वो आपका आंसर सही नहीं होता एक और चीज़ अगर आप देखें यहाँ पे हमारा रिसिवेबल था सिक्स हंड्रेड थाउजेंड और हमने राइट ऑफ किए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो सिक्स हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू फाइव सेवेंटी फाइव एक ऑप्शन डी मुझे नज़र आ रहा है फाइव सेवनटी फाइव थाउजेंड का समटाइम स्टूडेंट इसको भी टिक कर देते हैं हमने फाइव फाइव थाउजेंड को टिक क्यों नहीं किया बिकॉज के हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो थी वट अमाउंट रिसिवेबल्स आर टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दैट इज योर बैलेंस शीट तो जब हम सोफप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन तो हम नेट रिसीवेबल शो करते हैं तो ये छोटी छोटी बातों को आपने जहन में रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड वॉट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू गिव द आंसर एज पर रिक्वायरमेंट इन रेलीवेंट इंफॉर्मेशन वी हैव टू इग्नोर इसी तरह मैं कुछ और टिप्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू एम सी क्यूज देखिए एक एम सी क्यू बड़ा स्ट्रेट है मैं भी आपके सामने रखता हूँ और चैप्टर वन का वो एम सी क्यू है विच ऑफ दिन करेक्ट बहुत स्ट्रेट है एम सी क्यूज एसेट लाइबलिटीज कैपिटल हर स्टूडेंट को पता है दिस इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइवलिटीज प्लस कैपिटल अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं हम जब एग्ज़ाम में होते हैं ना देखिए एक मिस्टेक कि हम सम टाइम ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर हम ये भी करते हैं कि एक दो दिन पहले बहुत ज़्यादा लेट नाइट पढ़ रहे होते हैं इसको भी आप अवॉइड किया करें कोशिश करें कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें जो कुछ आपने ड्यूरिंग सेमेस्टर पढ़ लिया उसको आप ग्रिप करें और पेपर में जाएं। दूसरी बात ये है कोशिश करें पेपर में एटलीस्ट थर्टी मिनट्स बिफोर आप पहुंच जाए ताकि आप वहाँ रिलैक्स हों पेपर में एग्जाम प्रेशर होता है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना स्टूडेंट को ये उस वक्त करेक्ट नज़र आ रहा होता है मतलब स्टूडेंट इस एम को इस तरह रीड करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इनकरेक्ट को वो करेक्ट पढ़ लेता है अब वो जब करेक्ट पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आई कैप ने अगर कोई एम सी क्यूज ऐसा दिया है और जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोविंग इज़ इनकरेक्ट ये मैंने जानबूझ के दो हाईलाइटेड यूज़ किए ताकि आपको नजर आए कि ये वजह इनकरेक्ट के हम इसको करेक्ट पढ़ लेते हैं तो देखिए अगर आपने इसको करेक्ट पढ़ लिया यानी आपने ऐसे पढ़ा कि विच ऑफ़ दी फॉलोविंग इज़ करेक्ट तो तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है और इस टाइप के एम में ज़्यादातर मैंने देखा है कि पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट होता है और हम अगर ऐसे पढ़ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज करेक्ट तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि सेवन एट फाइव जीरो इक्वल टू वन टू फाइव जीरो प्लस डबल सिक्स डबल ज़ीरो अगर मैं चेक करूं कि सेवन एट फाइव ज़ीरो इक्वल टू होते हैं वन टू फाइव जीरो प्लस डबल सिक्स डबल जीरो तो बिल्कुल बराबर ही है इक्वेशन सही है लेकिन हमें तो इनकरेक्ट को टिक करना है एट्टी टू हंड्रेड इक्वल टू टू एट डबल ज़ीरो प्लस फाइव फोर डबल ज़ीरो डेफिनेटली ये वाला भी बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन भी करेक्ट है बट ऑप्शन सी अगर आप देखें नाइन डबल फाइव जीरो अगर मैं करूं इक्वल टू डबल वन फाइव ज़ीरो प्लस एट टू फाइव ज़ीरो तो ये ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे नाइन थ्री फाइव ज़ीरो और यहाँ पे आ रहा है नाइन डबल फाइव ज़ीरो जो कि इनकरेक्ट है सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर एग्जामिनर हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट को हमने करेक्ट कहना है तो उस पर आपने बहुत एहतियात करनी है कि अगर वो आपसे कहें कि विच ऑफ़ दॉलोविंग इज़ इनकरेक्ट तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें कि रिक्वायरमेंट क्या थी एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर टू का एक एमसीक्यू है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का वाउचर मे बी यूज्ड अच्छा आई केफ की बुक में भी ये बात लिखी हुई है वन मोर थिंग कि स्टडी टैक्स को आपने फोकस करना है बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि स्टडी टैक्स को रीड नहीं करते स्टडी टैक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपने स्टडी टेक्स को अच्छी तरीके से रीड करके जाना है उसकी रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो क्योंकि आई के चीज़ों को लिंक कर रहा होता है अच्छा स्टडी टैक्स में ये बात लिखी हुई है वाउचर जहाँ पे आई केफ ने चैप्टर टू में डिफ़ाइन किया है तो वाउचर में भी यूज़ रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स एज वेल एस ये भी लिखा हुआ है ए अच्छा, तो तो भी सही है और बी भी सही है और इवन आई केफ ने एक ऑप्शन दिया है बोथ ऑफ देश इसका जो एक्चुअल आंसर है वह है बोथ ऑफ दिन वाउचर जो है आपका वो रिप्लेस करता है बुक्स ऑफ एंट्री को एज वेल एज सपोर्ट करता है बुक्स ऑफ एंट्री को वन मोर थिंग इसी टाइप का एमसीक्यू एक चैप्टर थ्री में भी मुझे नजर आया लेजर एंड ट्रायल बैलेंस यहां से पूछा जा रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू अ ट्रायल बैलेंस अच्छा पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस इज टेकिन एज अ टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो हम कहते हैं यार ये बात तो बिल्कुल सही है ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करता है और हम इसको जल्दबाजी में होते टिक करके आगे चले जाते जबकि यहां पे अगर आप सेकेंड पॉइंट पढ़ें इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट ये बात भी बिल्कुल सही है पॉइंट नंबर सी अगर मैं पढ़ूँ तो वो कहता है कि इट इज कंक्लूजिव प्रूफ दैट द डबल एंट्री बुक कीपिंग इज फ्री फ्रॉम एरर तो ये बात गलत है ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने सब कुछ सही रिकॉर्ड किया है यू नो दैट के ड्यूरिंग लेक्चर भी मैं क्लास में बता रहा होता हूँ बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल हम कहते हैं प्रिंसिपल एरर हो गया आपने कोई कमीशन एरर कर दिया लाइक आपने टाइटल चेंज कर दिया आपने कोई नेचर चेंज कर दी एसेट के बजाय एक्सपेंस को डेबिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल नवीन था आपने अकाउंट रिसीवेबल नवीन को डेबिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस फेल टू डिस्क्लोज ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट डबल एंट्री बुक कीपिंग इज फ्री फ्रॉम एरर तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी तो गलत हो गया लेकिन जब आप डी देख रहे हैं तो डी में आपको बताया जा रहा है कि ए एंड बी ओनली यानी कि बोथ ए एंड बी और इसका जो असल आंसर है वो डी है हम बाई मिस्टेक ए को टिक कर देते हैं हम जल्दबाजी में होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा एग्जाम प्रेशर होता है टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है वो हमारे जहन में होता है फाइनल अकाउंट भी करना है अभी एक बड़ा सवाल है तो रिलैक्स रहे रिक्वायरमेंट पढ़े गौर से वन मोर थिंग बैंक रिकन्सिलेशन के चैप्टर में मैंने देखी एक एम है बुक में फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एज वी नो दैट कि जब हम बैंक रिकन्सिलेशन की बात करते हैं तो उसमें एक जो हमारा अपना रिकॉर्ड है जिसको हम कैश बुक या बैंक बुक कहते हैं उसका डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट जो है वो नेगेटिव होता है जिसको हम ओवर भी कहते हैं और बैंक स्टेटमेंट का जो क्रेडिट है वो पॉजिटिव होता है और डेबिट वाला जो है वो नेगेटिव यानी ओवर अब यहाँ पे फेवरेबल बैंक बैलेंस पहला ऑप्शन जब स्टूडेंट पढ़ता है कि क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक को इग्नोर कर देगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल नहीं होता क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट उसको लगता है बिल्कुल सही है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है वो टिक कर देता है उसने ये नहीं पढ़ा कि ऑप्शन सी कह रहा है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक यानी कि बी वाली बात और सी वाली बात दोनों बिल्कुल सही हैं और एक ऑप्शन नीचे आपसे कह रहा है कि बोथ बी एंड सी तो इट मीन्स के लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है तो ये मैं आपसे बस जनरल टिप्स आपको दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि आप मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं वहाँ पर ठीक है ना पेपर में आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो इस टाइप की होती है बाकी चीज़ें देखें ड्यूरिंग सेशन टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं आपने क्लास में कवर की है बट ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ रहे होते वन मोर थिंग जो मैं आपसे यहाँ पे बस डिस्कस कर दूँगा आखिरी और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट दूँगा देखिए ये जो एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आई कैप बहुत ज्यादा पूछता है यहां पे दो स्टेटमेंट आईके आपको दे रहा है और आई कैप आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दिख रहा है एस ऑब्लिक आर यानी कि स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एक या एक से ज्यादा इस ऑब्लिक आर करेक्ट इसका मतलब है ये दो स्टेटमेंट है दोनों भी करेक्ट हो सकती है दोनों इनकरेक्ट भी हो सकती है इसमें से एक करेक्ट हो सकती है यानी कि पहली वाली भी सिर्फ करेक्ट हो सकती है या फिर सिर्फ दूसरी वाली इस टाइप के एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा एग्जामिन किए जाते हैं ऑल दो आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट आई कैप आपके बहुत सारे एम सी क्यूज आपसे एग्जामिन कर रहा होता है इस फॉर्म में यानी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट आपके चेक हो रहे होते हैं तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है हायर क्लोजिंग prepaid balance than previous year means that payment for the year exceed expense for the year ab ye statement aapko diye ki agar aapke year end pe prepaid ke balance badh jaye as compared to last year to तो kya आपने payment जो की है वो expense से exceed कर गई है तो ये बात बिल्कुल सही है अगर आप T account बना के इसको चेक करेंगे एक नॉर्मल सा टी अकाउंट आप बनाए प्रीपेड का और डेबिट साइड पे उसका ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पे एंडिंग बैलेंस होता है और आप एक अमाउंट रखें जो आपने पे की हो कोई भी रैंडमली आप यानी आपने एंट्री बनाई हो प्री पेमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और एक अमाउंट जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया होगा एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट और ये बड़ा कॉमन सेंस यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि मेरे अगर क्लोजिंग प्रीपेड बढ़ रहे हैं इट मीनस के जो मैंने इस साल पेमेंट की है वो मेरी डेफिनेटली एक्सपेंस के मुकाबले में ज़्यादा है तभी तो मेरे प्रीपेड बढ़ गए तो ये वाली बात तो सही है सेकंड वाली हम पढ़ते हैं हायर क्लोजिंग इनकम बैलेंस देन प्रीवियस ईयर मींस दैट रिसिप्ट फॉर द ईयर एक्सीड इनकम फॉर द ईयर अच्छा अब इसमें देखिए हुआ है कि जो हमारे एक्रूड इनकम होते हैं अगर वो ईयर एंड पे ज्यादा हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आपने पैसे रिसीव किए हैं वो एक्सीड कर गए इनकम फॉर द ईयर से तो ऐसा नहीं है देखिए अगर हमारे एक्रूड इनकम यानी रिसीवेबल रिसिवेबल इनकम बाय नेचर इज योर एसेट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट तो अगर मेरे वो इनकम यानी रिसीवेबल बढ़ लें तो इट मीन्स के मैंने जो पैसे रिसीव किए हैं वो एज कम्पेयर टू इनकम कम है जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसिव फॉर द ईयर एक्सीड इनकम फॉर द ईयर ये ऑप्शन गलत है तो इस टाइप के एम सी क्यूज आई के बहुत ज्यादा एग्जामिन करता है ओनली वन इज करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट बोथ आर करेक्ट नन इज करेक्ट तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इस टाइप के एम सी क्यूज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विच वन इज करेक्ट मे बी दोनों करेक्ट हो जाते अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ मैं सेकेंड स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूँ हायर क्लोजिंग एक्रूव इनकम बैलेंस देन प्रीवियस ईयर मीन्स दैट इनकम फॉर द ईयर एक्सीड रिसिप्ट फॉर द ईयर यानी कि अगर मैं ये बोल दू कि मेरी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसप्ट तो ये जुमला सही हो जाता तो फिर दोनों सही होते फिर हम कहते हैं कि ऑप्शन सी लेकिन राइट ना हम कहेंगे ओनली वन इज करेक्ट सो स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन आई रिपीट इस टाइप के एम सी क्यूज बहुत ज्यादा हम देखते हैं अगर आप कैफ़ के पेपर देखें तो कैफ के, के पेपर में एफ आर वन में कुछ एम सी क्यूज भी आई कैफ एग्जामिन करता है वहाँ पर आप देखें तो इस टाइप की चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि वन इज़ करेक्ट ओनली टू इज़ करेक्ट बोथ आर करेक्ट नन इज़ करेक्ट यहाँ पे आई कैफ़ बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा होता है सो so स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक ब्रीफ गो थ्रू किया है रिगार्डिंग एम सी क्यूज पोशन नाउ वी हैव टू डिस्कस अ ब्रीफ रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल ट्वेंटी मार्क्स का आता है चैप्टर नाइन है आपका और यू नो दैट के कॉम्प्रीहसिवाल होता है आई कैप आपको ट्रायल बैलेंस देता है उसके साथ आपको फाइव सेवन एट एडजस्टमेंट दी जाती है देखिए उस पर सबसे पहले मैं जब क्लास में भी सॉल्व करवाता हूँ स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप जो एडजस्टमेंट्स हैं ना उनको सॉल्व कर लें आपके पास रफ़ पेपर होता है एग्जाम में आप क्विक एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो हेड्स ट्रायल बैलेंस में है कौन से हेड्स ऐसे हैं जिसमें आपने एडजस्टमेंट्स करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन एडजस्टमेंट्स आपको पता है बेडजट्स की होती है डेप्रिसिएशन की होती है इन्वेंट्री की एनआर की एडजस्टमेंट होती है इसके अलावा एक्रोवल और प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट्स होती है ये पांच चीज़ें बहुत कॉमन है एक्रोवल नंबर वन प्री पेमेंट नंबर टू डेप्रिसिएशन नंबर थ्री बेड डेट्स नंबर फोर एंड इन्वेंट्री एन आर वी की एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट जब आप कर लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपकी कौन सी टाइटल ऐसे हैं जिसमें एडजस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके पास प्रीपेड है और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें से कुछ अमाउंट आपका कन्वर्ट हो जाए इन टू एक्सपेंस तो वह आप एडजस्ट कर लें ताकि आपके पास जब एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाती है तो आप जब फाइनल वैल्यूज़ को पुट करने जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती अच्छा एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बस आपको बता के फिर एंड करूंगा वो बात ये स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर्मेट के हवाले से मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा देखिए ये फॉर्मेट मैंने कॉपी किया है जो कि आई के मॉडल पेपर में है और मोरलेस यही फॉर्मेट आपको वहाँ पेपर में प्रोवाइड किया जाता है ये आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आपको दिए हुए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है अदर इनकम ऐड होती है फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करके नेट प्रॉफिट इवन आई कैप यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करते हैं चार ऑप्शन भी आ रहे होते हैं इसके अलावा वन मोर थिंग ऊपर जो आपको तीन लाइंस में खास तौर पे जो थर्ड लाइन होती है फोर द ईयर एंडेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है और एज एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पे तो वो भी आपको सेलेक्ट करना होता है वहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर द ईयर एंडेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और एज एट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में तो देखिए फॉर्मेट पे आपने आंसर देना है मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आके फीडबैक दिया कि सर वो आई कैब एक्सेल की शीट भी दे रहा होता है तो मैंने तो गलती से वो एक्सेल पे ये फॉर्मेट खुद बनाया और सॉल्व करके आ गया तो देखिए ये चीज़ तो गलत है आपने एक्सेल आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप वहाँ पे अपनी वर्किंग वगैरह कर सकें आपको एक्सेल पे ये सॉल्व नहीं करना यू हैव टू गिव द आंसर एज पर गिवन फॉर्मेट फॉर्मेट तो आई ने आपको बना के दिया है इसी पर आपने आंसर देना है और ये फॉर्मेट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है और ये वाला फॉर्मेट आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है जिसमें आप देखें कि बैलेंस शीट का जो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है एसेट नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैन करंट एसेट्स देन इक्विटी पोशन एंड इक्विटी के बाद नॉन करेंट लाइब्रिटी एंड फाइनली करेंट लाइब्रिटीज सो आई कैप पेपर में आपको ये फॉर्मेट बना के दे देता है एंड यू हैव टू गिव द आंसर एज पर गिवन फॉर्मेट मैं क्लास में भी जब सॉल्व करवाता हूँ स्टूडेंट को क्वेश्चन तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चनस इसी फॉर्मेट पर करवाऊँ यानी फॉर्मेट को मैं सामने रखता हूँ और इसी के ऊपर वैल्यूज़ लिख रहा होता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सो so स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे एक ब्रीफ डिस्कस किया है एग्ज़ाम्स टेक्निक्स आई होप के इनशाला इससे आपकी हेल्प होगी एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू जजाकल्ला